हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब चैनल। चुके हैं महाराष्ट्र से स्वप्निल जी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल जी, गुड आफ्टरनून। कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड आफ्टरनून सर, SBI के रिगार्डिंग मेरा सवाल है। 1996 में मेरे पापा ने SBI के 1000 शेयर लिए थे 90 रुपए में। ओके, 1996 में 1000 शेयर। जी, वो मेरे भाई के जन्मदिन पे लिए थे उन्होंने, बट उन्होंने वो भूल गए थे उसके बारे में, और उनको उनके उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ और वो हाँ पेपर फॉर्मेट में है सर जी। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो सबसे पहले तो आपको इसको डीमैट फॉर्मेट में करवाना पड़ेगा, जिसके लिए ओके आपको मेरे सर। ख्याल से आपके जो जो ब्रोकर है उससे अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बरोबर गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको इसको डीमैट फॉर्मेट में करवाना है। तो उनसे आप इसकी बात कीजिएगा। और जहाँ तक 90 रुपये आपने लिए थे, इन उसके बीच में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट भी हुए, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट हुआ था, डिविडेंड आया होगा इसके बीच में, तो ये सब भी आपको एडजस्ट फॉर करवाना पड़ेगा। अपने ब्रोकर के पास जाके उनसे बात कीजिएगा। लेकिन हाँ, आपकी एडजस्टेड प्राइस से काफ़ी कम रहेगी, बट इस लेवल पे क्या चार्ट बनता है वो एक बार पूछ लेते थे। आशीष जी, बैंकिंग सेक्टर में वैसे तो नॉर्मली अच्छे खासे बाकी स्टॉक्स में तेजी देखने मिल रही है, लेकिन येस बैंक चलता भी नहीं है फिलहाल भी। अगर आप देखेंगे तो करीब 2-2.5% के आसपास की गिरावट है। बैंकिंग में क्या येस बैंक पे कुछ रुझान रखना चाहिए, और अगर बैंकिंग में कुछ पसंद है तो कौन सा स्टॉक अच्छा है जहाँ पे आपको पोजिशन बनानी चाहिए? देखिए वरुण जी, ये पहले येस बैंक के बारे में बात करूंगा। येस बैंक का भी चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा साइडवेज और कंसोलिडेशन वाला है। यहाँ पे अगर किसी को निवेश करना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट के ऊपर उभर के आ रहा है, और वो लेवल है करीबन 15 रुपए का। अगर हम 15 रुपए के ऊपर इस स्टॉक को निकलते हुए देखेंगे तो बहुत पिछले करीबन 4 महीने के 5 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रहेगा, और उस केस में ये वापस एक बार 15, 20 से 22 रुपए तक की छलांग लगाने के लिए रेडी होगा। फिलहाल अभी ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इसमें से बाहर जब तक नहीं निकलता है तब तक इस स्टॉक में कोई भी नया निवेश करने जैसा मुझे कोई भी अट्रैक्टिव डील दिखाई नहीं दे रहा।